भारत विविधताओं का देश है और अनेकता में एकता इस देश की सदियों से चली आ रही पहचान है। सांप्रदायिक सौहार्द के जरिए पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले इस देश में एक दूसरे का सम्मान करना जीवन जीने की कला है। मदरसों का नाम जहन में आते ही धार्मिक शिक्षा के लिए बने केंद्र नजर आने लग जाते हैं, लेकिन मुरादाबाद में मदरसे ने एक ऐसी पहल की है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। जी हाँ, भोजपुर क्षेत्र स्थित मदरसे में छात्रों को संस्कृत पढ़ाई जा रही है और रामचरित्र मानस से लेकर गीता तक के श्लोक का अर्थ समझाया जा रहा है। छात्र जहाँ संस्कृत की पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं, वहीं मदरसा प्रबंधक इसे देश को जानने और समझने की पहल बता रहे हैं। मासूम दिलन वाज जिस शिद्दत से कबीर के दोहों को अपने सुर में पिरोते हैं, उसे सुनकर कोई हैरान रह जाता है। गाजियाबाद के रहने वाले दिलन वाज मुरादाबाद के चांदपुर क्षेत्र स्थित मदरसा अल जामिया मक्किया खजवाइनूल इरफान के छात्र हैं। इस मदरसे में 150 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मदरसे में सभी विषयों की शिक्षा के साथ संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है और संस्कृति के पौराणिक ग्रंथों के जरिए छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। एक तरफ रामचरित्र मानस के जरिए भगवान राम के जीवन से जुड़े पहलू हैं, तो दूसरी तरफ गीता के जरिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद छात्रों को इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। मदरसे में संस्कृत की पढ़ाई से बच्चों को जहां भारतीय पौराणिक ग्रंथों और जीवन दर्शन की जानकारी हो रही है, वहीं उनके सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं। छात्र भी मानते हैं कि समाज में अगर आपसी भाईचारा और पूरा प्यार बढ़ाना है तो शिक्षा के जरिए यह काम आसान हो जाता है। मदरसे में इस पहल को लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि इस पहल के बाद क्या दूसरे मदरसे भी इस देश में इस दिशा में कदम बढ़ाकर खुद को सामने लाने की कोशिश करते हैं या फिर खुद को अपने ही दायरे में रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। माला फेरत जुग बया फेरा ना मन का फेर, माला फेरत जुग भया फेरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर। साई इतना दीजिए जामे कटुम समाए, साई इतना दीजिए जामे कटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। शुरू से ही हम लोग को यहाँ मदरसा जामिया खजाने इरफान मक्किया में संस्कृत पढ़ाई जा रही है और हमारे उस्ताद काफ़ी इस पर मेहनत कर रहे हैं और हमारे हम लोग भी मिलके संस्कृत का थोड़ा स्टडी करते हैं, रात में पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं, जो नहीं आता है अपने उस्तादों से मालूम यानी मालूम कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ कि लोगों को पढ़नी चाहिए सारी कुरान गीता वगैरह जो भी इनके बारे में जो पुराण हैं पुराने पुराने उनके बारे में पढ़ना चाहिए। आज पूरी साइंस उसी पे रिसर्च कर रही है, कुरान पे गीता पे, इस पे पूरे बाहर के लोग, हम इंडिया के लोग तो रिसर्च नहीं कर रहे बल्कि विदेशों के लोग इस पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारी जानकारियाँ इनमें, लेकिन आदमी जब उस पे मेहनत करेगा उसे जानेगा गहराई से बिल्कुल लग के और फिर भगवान अल्लाह तबारक व तआला उसकी खुद मदद फरमाएगा। कबीर दास के दोहे और उनकी बातें जो हैं और रहीम दास के दोहे, जैसे रहीम दास का दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का टूटे ना चटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप किसी आदमी से या किसी आदमी रिश्ता रखते हैं, किसी आदमी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उससे आपको ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहिए, रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार रिश्ता टूट जाए तो वो दोबारा फिर वैसा नहीं जुड़ सकता, जैसे एक धागा टूट जाए तो दोबारा वैसा नहीं जुड़ सकता जैसे कि पहला वो था। और बहुत बातें कबीरदास की, कबीरदास जी की बातें हैं, उनकी बातें हम लोग को आगे बढ़ने में, मकसद में कामयाब होने में बहुत हेल्प करती हैं उनकी बातें, हम उससे बहुत प्रेरित होते हैं। क्या आगे भी अगर ये संस्कृत है तो हिंदू धर्म से है, जबकि हमारा मानना ये है कि लैंग्वेज जितनी भी व्यक्ति सीखेगा इतना ही बेहतर है, क्योंकि इल्म जितना भी हासिल किया जाए बेहतर ही है। तो हमारे यहाँ संस्कृत किताब, संस्कृत जो भाषा है ये भारत के भारतीय सभ्यता को जानने का एक बहुत बड़ा माध्यम रही है, और यहाँ तक कि हम तो कहेंगे कि हमारे मदरसों में भी संस्कृत को पढ़ाया जाए ताकि एक दूसरे को हम जानें। आज जो मन में ये जहर घोला जा रहा है हिंदू का मुस्लिम का, ये सब जो है सर नाइलमी की बुनियाद पर है, तो उसमें छोटे बच्चों को ग्रामर का ज्ञान कराया जाता है और बड़े बच्चों को 9th-10th के हम जैसे गीता के श्लोक हैं या रामायण है, रामचरितमानस के कुछ पार्ट हैं या वेद हैं, तो उनको हम बच्चों को
लगातार पढ़ाते आ रहे हैं कंटिन्यू। कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं बच्चे इस पूरे उसमें प्रक्रिया में? हमारे बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं सर, वो जानना चाहते हैं कि राम जी के जीवन से संबंधित क्या काम हुए, या गीता में महाभारत में गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या उद्देश्य दिए, या इससे मानव जाति के लिए क्या क्या उत्थान हो सकता है, या वेदों में और कुरान को हमारे यहाँ किताब भी चल रही है वेद और ज्ञान, जिसमें हम बताए जाते हैं कि वेदों में अक्सर वही बातें हैं जो हमारे पुराने पाक में है। तो हमारे बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं और लगभग लगभग वो सब अच्छे से सीख रहे हैं। और तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे इस्लाम है तो उर्दू भाषा है, हिंदी है तो या संस्कृत है, तो धर्म से जुड़ते हैं भाषाओं को, आपको क्या लगता है क्या जोड़ना सही है, या भाषाएं तो सभी के लिए हैं, समझना सीखना तो सभी को चाहिए? जी जी बिल्कुल सही सवाल किया सर आपने। देखिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, कोई मज़हब ये नहीं कहता कि आप संस्कृत ना पढ़ें, हिंदी ना पढ़ें, रामचरितमानस ना पढ़ें, गीता ना पढ़ें। यही विचार लेकर के मैंने सारे धर्मों को एकत्रित करने और सारे धर्मों के लोगों से मोहब्बत भाईचारगी का पैगाम देने के लिए संस्कृत भाषा को अपनाया और संस्कृत का अपने मदरसे में तालीम देने का सिलसिला शुरू किया। कितने बच्चे हैं जो इस समय संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं? मेरे मदरसे में 150 बच्चे हैं जो कक्षा एक से लेकर इंटर तक की शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वो तमाम बच्चे संस्कृत सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं। क्या बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं संस्कृत पढ़ने में? जी, जब बच्चों से बताया जाता है कि हम सब हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं और हमें किसी भी लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि भागवत गीता है, पौराणिक हमारे सब्जेक्ट हैं और संस्कृत भाषा, इसमें बड़ी ज्ञान की बातें हैं, बहुत सारे ऐसे कड़वे सच हैं जो हमें और सब्जेक्ट्स में नहीं मिल पाते, संस्कृत में वो सारे ज्ञान हमें आसानी से पाए जाते हैं और इससे हमें सफलता की उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, कोई धर्म किसी भी भाषा को अपनी या गैर धर्म की भाषा नहीं कहता, और हम लोगों को चाहिए कि हम हर धर्म की इज्जत करें, उस धर्म की जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उनको पढ़ें और दूसरों तक पढ़ाएं। जो लोग ये सोचते हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, संस्कृत हिंदुओं की भाषा है, तो वो छोटी सोच के लोग हैं। कोई भाषा किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, भाषा एक समाज का कम्युनिकेशन का जरिया है और उसे हमें किसी धर्म विशेष पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।